नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर है एक नया वीडियो सेशन लेकर। इसमें आज हम ऑटोमोबाइल के लेवल वन के विषय में कवर करेंगे और लेवल वन में हाँ जब हम कवर करेंगे यूनिट वन के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल। हिस्ट्री से अभिप्राय है इतिहास, इवोल्यूशन से अभिप्राय है विकास, यानी कि ऑटोमोबाइल का इतिहास कैसा था और उसका विकास कैसे हुआ, आगे बढ़ता गया, कैसे वह आज का जो हम ऑटोमोबाइल का रूप देखते हैं वहां तक उसकी जर्नी यात्रा कैसी रही। तो इसके चार सेशन रहेंगे यूनिट वन के। पहला सेशन रहेगा इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। दूसरा सेशन रहेगा हमारा व्हील कार्ट, जिसको हम छकड़ा गाड़ी के रूप में भी जानते हैं। तीसरा हमारा सेशन रहेगा इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल का आविष्कार कैसे हुआ। और चौथा सेशन रहेगा हमारा इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल पोस्ट वर्ल्ड वार टू, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका स्वरूप कैसे चेंज हुआ। तो आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे पार्ट वन में दो सेशन, व्हील और व्हील कार्ट। और उससे पहले हम एक जीरो सेशन भी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ऑटोमोबाइल क्या है और NSKF क्या है और ऑटोमोबाइल का स्कोप क्या है, ये भी ब्रीफली कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या ना आए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है NSKF क्या है। NSKF यही एक ऐसा वोकेशनल कोर्स है जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप कक्षा नौवीं में इनरोलमेंट हुई है। N से नेशनल, S से स्किल, Q से क्वालिफिकेशन एंड F से फ्रेमवर्क। नेशनल, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, फ्रेमवर्क, तो यह एक करिकुलम है भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत कक्षा नौवीं से या इस वर्ष से हम कह सकते हैं कक्षा ग्यारहवीं से भी बच्चे एडमिशन लेकर वोकेशनल कोर्स से अपना हाथ का हुनर सीखते हैं। आगे चलते हैं, ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटो मतलब स्वतः खुद चलने वाला, स्वतः स्वयं, और मोबाइल मैंने गतिशील, यानी कि ऑटोमोबाइल एक ऐसा वाहन है जो स्वयं ही खुद की शक्ति से चलता है। तो जैसे इसको हम इंग्लिश में भी ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच रन बाय इट्स ऑन पावर, कि वो खुद की शक्ति से खींचा हुआ वाहन है जो अपनी पावर से चलता है। अब पूछते हैं कई बच्चे क्वेश्चन कि क्या सर साइकिल भी ऑटोमोबाइल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइकिल के लिए आप अपना पैडल का बल लगाते हैं, जितनी देर तक आप बल लगाएंगे वह चलेगी, आप फोर्स लगाना बंद कर दीजिए वह साइकिल रुक जाएगी। उसके बाद कुछ बच्चे यह भी सवाल करेंगे कि सर जो आकाश में वायुयान उड़ते हैं या जो समुद्र में जहाज चलते हैं वह भी ऑटोमोबाइल में आते होंगे। नहीं, ऑटोमोबाइल बेसिकली वह इंजीनियरिंग है जिसमें हम भूमि स्तर पर चलने वाले वाहनों के ऊपर, ग्राउंड सरफेस पे चलने वाले वाहनों की स्टडी करते हैं। और जो वायुयान में उड़ते हैं उसकी एक अलग इंजीनियरिंग है, उसका नाम है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और जो हमारे समुद्री जहाज में समुद्र में चलते हैं, जल के अंदर चलते हैं, तो उसके लिए अलग इंजीनियरिंग, उसका नाम है मैरीन इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल का स्कोप क्या है, ऑटोमोबाइल के रूप में आप अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत बड़ा वाइड क्षेत्र है, बहुत बड़ा स्कोप है, फिर भी हम थोड़े कुछ पॉइंट इस वीडियो सेशन में कवर करते हैं, ताकि आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकें। जी, टू व्हीलर वर्कशॉप में आप टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं, टू व्हीलर वर्कशॉप में आप सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, टू व्हीलर वर्कशॉप में आप स्टोर इंचार्ज का कार्य कर सकते हैं, या चार पहिया वाहन में भी यदि आप जाते हैं तो सेल्स में भी जा सकते हैं, सर्विस में भी, बॉडी शॉप में भी, और इंश्योरेंस के एजेंट बनकर भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आप जब इंश्योरेंस का एजेंट बनने के लिए भी IRDA की तरफ से एक टेस्ट देना पड़ता है, और वो टेस्ट जो आप देंगे उस टेस्ट से पहले आपको ऑटोमोबाइल की पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। इसके बाद बात करते हैं मारुति के ड्राइविंग स्कूल में भी आप जॉब कर सकते हैं ड्राइवर के रूप में, स्वयं का अपना एक टायर के वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, पॉलिटेक्निक में दूसरे वर्ष में भी प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, और वोकेशनल में ग्रेजुएशन करके आगे अपना किसी भी कंपनी में जाकर भविष्य बना सकते हैं, और वाहन निर्माता कंपनी में जाकर लाइनमैन का भी कार्य कर शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ पे सुपरवाइजर के पद पर भी जा सकते हैं, या स्पेयर पार्ट निर्माण करने वाली कंपनी होती है जो एक्स्ट्रा से पार्ट बनाती है गाड़ियों के, उसमें भी आप अपना किसी भी पद पर जाकर कार्य कर सकते हैं। सरकारी बस में ड्राइवर के लिए भी फ्यूचर में ड्राइविंग सीखकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स की नॉलेज तो और वर्किंग की नॉलेज तो आपको स्कूल लेवल पर हो ही जाएगी। इसके बाद सरकारी विभाग में भी आप ड्राइविंग का कार्य कर सकते हैं, या पुराने दो पहिया वाहनों की बिक्री में भी कार्य कर सकते हैं, या पुराने चार पहिया वाहनों की सेल परचेज का भी कार्य कर सकते हैं, या वहाँ स्पेयर पार्ट की खुद की शॉप खोल सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर की हो चाहे वो फोर व्हीलर की हो, या अपना वॉशिंग सेंटर भी खोल सकते हैं अच्छे से, जहां मॉडर्न हाईटेक तरीके से वॉशिंग कर सकते हैं, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का कार्य भी कर सकते हैं। व्हील अलाइनमेंट के लिए बेसिकली 250 से 300 रुपये चार्ज लेते हैं आजकल,
कॉलेज में आप वर्कशॉप ट्रेनर भी बन सकते हैं, जो टेक्निकल कॉलेज है वहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी पढ़ाई जारी रखकर वर्कशॉप के ट्रेनर भी बन सकते हैं। ITI में अध्यापक बन सकते हैं, स्कूल में भी अध्यापक बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको इस लेवल 4 की पढ़ाई को और आगे भी जारी रखना पड़ेगा। और खुद का ड्राइविंग स्कूल भी खोल सकते हैं, जैसे पहले मारुति का बताया था, आप खुद का भी खोल सकते हैं। आपको पता होगा आज की तारीख में 5,000 से 6,000 रुपये चार्ज इस ड्राइविंग को सिखाने का लिया जाता है। इसके बाद आप प्रदूषण जांच केंद्र भी खोल सकते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन चेक करवाने के लिए एक RTO द्वारा रजिस्टर्ड एक सेंटर खोला जाता है, जहाँ पर आप प्रदूषण के मानक तय करके उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसको हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। और वाहन के एक्सीडेंट के रूप में, सर्वेयर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि वाहन के जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हम किसी वर्कशॉप में ले जाते हैं, तो सबसे पहले वह उस क्लेम देने वाली कंपनी को कॉल करते हैं, तो वहाँ से एक सर्वेयर आता है, चेक करके जाता है कि क्या इस वाहन का उतना नुकसान हुआ है जितना उनको इंटीमेट किया गया है बताया। तो वहाँ पर भी आप सर्वे करने के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सर्वेयर के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 1 के सेशन 1 की, तो वो कौन सी है, हमारी है इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का आविष्कार। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हील क्या है। व्हील एक गोलाकार भाग है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो कि अपने सेंटर के केंद्र के चारों ओर घूमता है, या ऐसे घूमते घूमते ये कभी भी ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, तो सेंटर के चारों ओर घूमता रहेगा, तो इसलिए ये गोलाकार भाग है, इसकी ये डेफिनेशन है, जो अपने सेंटर के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर घूमता है। दूसरा, व्हील का आविष्कार कब हुआ और कहाँ हुआ। इसका आविष्कार 3500 ईस्वी पूर्व में हुआ, इसको BC भी बोलते हैं। BC और ईस्वी क्या है, अगले क्वेश्चन में हम क्लियर करने वाले हैं। और यह कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया ध्यान से सुनिए, यह एक ऐसी जगह का नाम है जिसको आज की तारीख में हम इराक के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में यह देश इराक के नाम से जाना जाता है, और इसका पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। और BC क्या है, अब अगला क्वेश्चन है, BC का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पूर्व। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद के जो हम ईयर्स गिनते हैं, वर्ष गिनते हैं, तो वो वर्ष आज की तारीख में 2020 तक पहुंच चुके हैं। यदि हम 3500 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, तो जब यह 2020 जीरो पर था, इससे पीछे का वक्त जो हम जाएंगे तो वह हम 3500 साल पहले जाएंगे। तो यदि हम आज से गणना करेंगे तो 3500 वर्ष पहले प्लस आज के साल, तो बन गया है 5520। तो कह सकते हैं हम पहिया कितने वर्ष पुराना है, 5520, यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पहिया लगभग 5500 साल पुराना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहिए का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले कब हुआ। तो पहिए का जो प्रयोग है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले 3200 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी कि 3500 ईस्वी में तो इसकी खोज हुई, यानी कि उसके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह की तरफ, जीरो की तरफ, तो वह ईयर घटते चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि हम पहिए का परिवहन के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है वुडन व्हील, लकड़ी का व्हील। लकड़ी का व्हील आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वुडन व्हील, इसके सेंटर में एक छेद कर दिया गया है, तो इसको सिंपल सी बनावट है, साधारण सी बनावट का होता है। इसके बाद आपका वुडन स्पोक व्हील, तो वुडन का व्हील है पर इसमें क्या है, बीच बीच में स्पोक के रूप में बनाया गया, एक तारों का आकार दिया गया है, और बाकी का एरिया इसका छोड़ दिया गया है, या उसको ट्रिम कर दिया गया है, उससे क्या हुआ कि पहिए का वजन कम हो गया और मजबूती में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। इसके बाद है हमारा वायर स्पोक व्हील, जहाँ पे वो स्पोक लकड़ी की दी गई थी, अब किसकी आ गई, वायर की। इस तरह के आपने वाहन के पहिए देखे भी होंगे, और साइकिल के अंदर तो आजकल भी प्रयोग होते हैं। इसके बाद है डिस्क व्हील, डिस्क व्हील पहले स्कूटर में भी प्रयोग होते थे, और आज की तारीख में है बड़े वाहनों में प्रयोग होते हैं, जैसे ट्रक बस के अंदर। यह दो पार्ट में होते हैं, एक पार्ट लेफ्ट से लगा के बीच में टायर रख के, दूसरे पार्ट से राइट में लगा के इसको फिट करके फिक्स किया जाता है। तो यह कंप्लीट व्हील बनाने के लिए डिस्क दो पार्ट में होती है। इसके बाद आपने एलॉय व्हील भी देखा हुआ, आजकल जो चल रहे हैं। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनती है उसको हम एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो मिश्र धातु वाले पहिए होते हैं, मजबूती के मामले में इनसे सिंपल धातु से अधिक मजबूत होते हैं, जो साधारण धातु होती है हमारी। इसके बाद व्हील का स्ट्रक्चर डिफाइन करें, एक क्वेश्चन आता है आपकी बुक के एंड में। तो व्हील के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है आपका गोलाकार भाग, वो किस प्रकार का हो सकता है, स्पोक के रूप में, मतलब वुडन स्पोक के रूप में, या डिस्क के रूप में, या एलॉय के रूप में। दूसरा पार्ट है उसका केंद्र, सेंटर, वो किस प्रकार का, या तो हब के रूप में, या सिंपली उसको छेद कर दिया गया है, वह उसका अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसके दो ही भाग हुए, गोलाकार भाग और केंद्र। अगला सेशन कवर करते हैं, इस सेशन में हम क्या बताएंगे आपको, व्हील कार्ट क्या है।
व्हील कार्ट मतलब छकड़ा गाड़ी, जिसको हम कुछ ग्रामीण इलाकों में गड्ढा भी बोल देते हैं, तो उस वो छकड़ा गाड़ी हमारा जो तकनीकी नाम है उसका क्या है, व्हील कार्ट। व्हील कार्ट के नाम से आपने इसको याद रखना है। तो व्हील कार्ट बेसिकली क्या है, व्हील कार्ट एक दो पहियों से चलने वाला ऐसा वाहन है जिसको हम परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और व्हील कार्ट का जो प्रकार हैं, जो उसके कितने प्रकार होंगे व्हील कार्ट के, पहला है हैंड कार्ट, हाथ से यदि हम खींचेंगे उसको तो उसको हम हैंड कार्ट कहेंगे। उसके बाद हम कहेंगे हॉर्स कार्ट, जिसकी जिसको खींचने के लिए हम घोड़ों की सहायता लें उसको हॉर्स कार्ट बोलेंगे। और उसके बाद आते हैं डॉग कार्ट, कुत्तों की मदद से यदि हम खींचेंगे तो हम उसको डॉग कार्ट कहेंगे। ऐसे ही ऑक्स कार्ट, बुलो कार्ट और वाटर बुफेलो की मदद से भी हम इसको खींच सकते हैं। तो मेनली यही इसके टाइप रहेंगे। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि व्हील कार्ट का जो प्रयोग है सर्वप्रथम प्राचीन काल में कब हुआ। तो इसका प्रयोग हमारा महाभारत काल के युग में, आपको महाभारत के युद्ध में दिखता है, जिसको प्रयोग रथ के रूप में किया गया था, तो वह व्हील कार्ट ही है। इसको पुराने समय में हम रथ के रूप में जानते थे। अब आपसे ये भी इसमें क्वेश्चन आता है आपकी बुक में कि महाभारत काल में इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि उस समय रथ के रूप में ही परिवहन के साधन उपलब्ध थे और घोड़ों का रथों के साथ प्रयोग करके परिवहन के साधन का प्रयोग करना अत्यंत उपयोगी था। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है कि फार्मर है लो जो व्हील कार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, और एक क्वेश्चन है कि व्हील का कार्ट का प्रयोग आजकल कहां कहां होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है कि फार्मर के लिए उपयोगी व्हील कार्ट क्यों है, क्योंकि फार्मर लोग हैं जो किसान लोग हैं वह वहां पर इसका प्रयोग करते हैं जहां पर आजकल परिवहन के साधन या तो महंगे हैं या उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर आज भी व्हील कार्ट का प्रयोग करते हैं। और वह इनके द्वारा अपने खेतों से घर पर चारा, पशुओं का चारा और अन्य उपयोगी सामान को ढोते हैं। तो यह इसका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट के इस सेशन में और आता है कि आपका हॉर्स पावर क्या है, क्योंकि पुराने समय में पावर को नापने का कोई इकाई नहीं थी, तो वह घोड़ों की ताकत से नापा जाता था। तो हॉर्स मैंने घोड़ा, पावर मैंने शक्ति। तो एक हॉर्स पावर HP, उसको हम HP के नाम से भी जानते हैं। आजकल देखा होगा आपने कई मोटर्स या कई ऐसे पंप होते हैं जिसकी हम पावर देते कहते हैं कितने HP का है। तो वो HP क्या होती है, बेसिकली वो घोड़े की पावर ही होती है। तो एक घोड़े की पावर जो होती है 736 से 746 वोट के बराबर होती है, यदि हम इसको वोट में देखें। तो घोड़े की पावर है जो हमारी, एक घोड़े की शक्ति मानी जाएगी। और एक घोड़े की शक्ति कितने व्यक्तियों के बराबर होती है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जनरली तौर पर एक घोड़े की शक्ति है जो हमारी 10 से 15 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। तो यह है हमारा व्हील और व्हील कार्ट का सेशन है जो आज समाप्त होता है। फिर भी आपको एक जनरल कुछ क्वेश्चन मैं दो चार ऐसे बता रहा हूँ जो हमने अभी तक कवर नहीं किए। एक तो व्हील कार्ट का प्रयोग जब किस युग के अंत में हुआ और किस युग के प्रारंभ में हुआ। तो व्हील कार्ट का मैं आपको बता दूं, जो इसका प्रयोग है, पहले पत्थरों का युग था, पत्थरों से आदिमानव रगड़ के आग जलाया करते थे। तो पत्थरों का युग जब अंत होने वाला था तभी व्हील का आविष्कार हुआ था। और किस युग से पहले हुआ, यह कांस्य के युग से पहले हुआ, ब्रोंज एज से पहले इसको बोलते हैं। ब्रोंज का युग आने वाला था, उससे पहले पहिए का आविष्कार हो चुका था। तो आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से पहिए आदिमानव था, पहिए का आविष्कार करके उसको इस रूप में पहले ढोया करता था। तो आज हम इस एक अच्छे ऑटोमोबाइल, एक भली भांति फुल्ली फर्निश्ड ऑटोमोबाइल के रूप में वाहनों को देख पा रहे हैं। इनका जो इतिहास है ऑटोमोबाइल का, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, वह सिर्फ आपके यूट्यूब पर जाने पर आपको दिखाई देगा कि आपने किन किन चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ है। नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हो कि आपको अगली वीडियोज़ की पता लगती रहे, जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके लिए आपने जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके साथ साथ एक बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो में हम कवर करेंगे ऑटोमोबाइल का आविष्कार कैसे हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका स्वरूप कैसा रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।